हेलो बच्चों, ट्रिगो हो या अलजबरा हो चाहे ज्योमेट्री, सबसे करता हूं मैं बराबर का प्यार। कैलकुलस है मेरा जिगरी यार और मैं हूं मैथ्स का शहर यार। आज लिमिट्स चैप्टर करेंगे। कैलकुलस का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है लिमिट्स। कैलकुलस तो अपना जिगरी यार है, तो लिमिट्स भी अपना जिगरी यार हुआ। एक मस्त चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं आज। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूँ एकदम भन्नाट। तो चलिए यार, लिमिट्स की शुरुआत करते हैं। लिखा है मैंने कहानी पड़ोसियों की, है ना? जैसे कहानी घर घर की होती है वैसे कहानी पड़ोसियों की भी होती है, ठीक है? तो जो लिमिट्स है ना, लिमिट्स, इसमें अपन पड़ोसियों की कहानी सीखेंगे, है ना? किसके पड़ोसी भाई? तुम्हारे पड़ोसी कि मेरे पड़ोसी, है ना? सबके पड़ोसी देखिए, ये तुम्हारे मेरे पड़ोसियों की कहानी नहीं है, ये एक रियल नंबर के पड़ोसियों की कहानी है। या रियल नंबर के पड़ोसियों की कहानी, ठीक है? आप सोच रहे होंगे रियल नंबर के पड़ोसी क्या चीज़ आ गई, ठीक है? जो लोग लिमिट्स जानते हैं उनके लिए उनको मैं बता दूं कि मैक्सिमम मैंने ऐसा महसूस किया है ना, अपने टीचिंग करियर में, कि लिमिट्स की मिस इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लोगों के पास होती है ना। मतलब लिमिट्स के सही कॉन्सेप्ट्स बहुत ही कम लोगों को मालूम होते हैं। तो जो लोग जानते हैं वो भी जो है बैठ जाएं आराम से और मान लें कि तुम नहीं जानते हो, ठीक है? और ध्यान से देखें। और जो लोग पहली बार लिमिट्स सीख रहे हैं उनको तो मैं संदेश देना चाहता हूँ, बहुत ही बारीकी से सीखिए। लिमिट्स के कॉन्सेप्ट अगर आपने बहुत अच्छे से सीख लिए तो कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स आपके एकदम स्ट्रोंग हो जाएंगे। कैलकुलस पे अगर आपको पकड़ बनानी है, तो लिमिट्स पे आपको पकड़ बनानी होगी। चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बता दूं फिर से एक बार, ये कहानी है पड़ोसियों की मेरे दोस्त। किसके पड़ोसियों की? आइए चलते हैं, देखते हैं। देखिए, हमने फंक्शन नाम का एक चैप्टर सीखा था, ठीक है? कैलकुलस का सबसे पहला चैप्टर है फंक्शंस, ठीक है? लिमिट्स कैलकुलस का दूसरा चैप्टर है, सेकंड नंबर पे चैप्टर आता है। तो अगर आपने फंक्शंस को अच्छे से सीखा है तो लिमिट्स में फंक्शन के मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ बातों को अप्लाई करने वाला हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और अगर यार फंक्शंस आपका कमज़ोर है तो फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, फंक्शन की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए, नहीं है तो कर लीजिए और उसके बाद फिर लिमिट्स चैप्टर को एंजॉय कीजिए, ठीक है? मैं ये बोल रहा हूँ आपको, कि एक रियल नंबर लाइन लगा दी मैंने, है ना? सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि पड़ोसी क्या होते हैं, ठीक है? एक बार पड़ोसी क्या होते हैं ये समझ में आ जाएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा कि लिमिट्स क्या होती हैं, ठीक है? सबसे पहले तो मैं आपको फील देने की कोशिश करता हूँ कि पड़ोसी क्या होते हैं। ये रियल नंबर लाइन लगा दी मैंने, ये वाला एंड माइनस इन्फिनिटी होता है, ये वाला जो एंड है ये इन्फिनिटी होता है, ठीक है? बीच का जो पॉइंट है यार, मान लेते हैं वो क्या है, जीरो है। बीच का जो पॉइंट है वो क्या है, जीरो है, ठीक है? अब यहाँ पे यार ये है वन कहीं पे, यहाँ पे टू है, इस तरीके से आगे चलते जा रहे हैं नंबर्स। लेफ्ट में माइनस वन है, माइनस टू है और लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी तक नंबर्स जो हैं वो चलते जा रहे हैं, करेक्ट है जी? अब यार एक बात बताइए कि ये जो पॉइंट है वन, ठीक है ना, ये जो पॉइंट है हमारा वन, एक्स इक्वल टू वन, ठीक है? अगर मैं कहूं इस x इक्वल टू वन के, ठीक है ना, फोकस दीजिए x इक्वल टू वन के ऊपर, तो यार वन जो है ना, x इक्वल टू वन, इसके कितने पड़ोसी हैं x इक्वल टू वन के? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने पड़ोसी हैं x इक्वल टू वन के? दो पड़ोसी हैं यार। एक पड़ोसी तो देखिए यहां पे है जी, और दूसरा जो पड़ोसी है वो आप देख सकते हैं वो यहाँ पे है। x इक्वल टू वन के मेरे दोस्तों दो पड़ोसी हैं। कौन कौन दो पड़ोसी हैं? x इक्वल टू वन का जो राइट वाला जो पड़ोसी है ना, ये वाला है और लेफ्ट वाला पड़ोसी ये है, ठीक है ना? ये बात आपको समझ में आ गई ना? एक नंबर के दो नेबर्स होते हैं, दो पड़ोसी होते हैं। यहां पे अपन नेबर्स को समझने का प्रयास कर रहे हैं। x इक्वल टू वन को ध्यान से देखोगे तो उसका एक नेबर ये है, एक नेबर ये है, इसको बोलते हैं राइट नेबर। क्या बोलते हैं? राइट नेबर।
राइट नेबर ऑफ एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, और ये है लेफ्ट नेबर ऑफ एक्स इक्वल टू ए, ये है लेफ्ट लेफ्ट नेबर ऑफ एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, ये राइट नेबर है एक्स इक्वल टू ए का और ये लेफ्ट नेबर है एक्स इक्वल टू ए का, ठीक है। तो जो राइट नेबर है ना यार, उसका क्या वैल्यू है, उसका क्या नाम है, ये बताइए मेरे को आप। ये जो राइट नेबर है, राइट नेबर की वैल्यू किसके इक्वल है और लेफ्ट नेबर की वैल्यू किसके इक्वल है, यार मुझको ये बातें बता दीजिए आप। मैं ये जानना चाहता हूं कि x इक्वल टू वन का राइट नेबर किसके इक्वल है, बता दूं x इक्वल टू वन का राइट नेबर वन पॉजिटिव से डिनोट किया जाता है, x इक्वल टू वन का लेफ्ट नेबर वन नेगेटिव से डिनोट किया जाता है। तो x इक्वल टू वन तो हो ही गया, जो पॉइंट हमारे ऑब्जर्वेशन में है, x इक्वल टू वन पॉजिटिव क्या हो गया, राइट नेबर ऑफ वन हो गया, क्या हो गया, राइट नेबर ऑफ वन हो गया, ठीक है। शॉर्ट में लिख देता हूं मैं इसको, राइट नेबर ऑफ वन, ठीक है। और x इक्वल टू वन माइनस क्या हो गया, ये लेफ्ट नेबर ऑफ वन हो गया। यार एक बात यहां से समझ में आ जानी चाहिए कि नेबर्स क्या होते हैं, नेबर्स क्या होते हैं, क्लियर है एकदम, नेबर्स क्या होते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। x इक्वल टू वन का राइट नेबर वन पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर अगर x इक्वल टू वन का लेफ्ट नेबर रिप्रेजेंट करना हो तो वन के खोपड़ी पे माइनस लगा के वन नेगेटिव से उसको रिप्रेजेंट करेंगे मेरे दोस्तों। बात समझ में आ गई। अब यार देखिए जरा, ठीक है, x इक्वल टू वन का राइट और लेफ्ट नेबर देख लिया अपने, अब बताओ और कौन सा पॉइंट का लेफ्ट और राइट नेबर देखें, बताओ कौन से पॉइंट का देखें। जीरो का बोल रहे हो तुम मुझको, जीरो का देख लेते हैं भाई, जीरो को फोकस में ले लो, ये जीरो है, ठीक है, जीरो को जल्दी फोकस में ले लो भाई। जीरो का राइट नेबर किधर है, जीरो का राइट नेबर अल्ली तरफ है, जीरो का लेफ्ट नेबर पल्ली तरफ है, अल्ली पल्ली तरफ, ठीक है जी, जीरो का राइट नेबर अल्ली तरफ, इधर पल्ली तरफ। तो जीरो का जो राइट नेबर है ना, इसको जीरो पॉजिटिव बोलेंगे, जीरो का जो लेफ्ट नेबर है इसको जीरो नेगेटिव बोलेंगे। सिमिलर तरीके से कोई दूसरा नंबर भी दे दे हमको, माइनस टू दे दे, ये हमने माइनस टू दे दिया, माइनस टू का राइट नेबर जो है दोस्तों क्या होगा, माइनस टू की खोपड़ी पे पॉजिटिव लगा दो, माइनस टू का जो लेफ्ट नेबर होगा ये माइनस टू की खोपड़ी पे नेगेटिव लगा दो। आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि मैं नेबर्स की बात काहे को कर रहा हूँ, पड़ोसियों की बात काहे को कर रहा हूँ। अरे भैया इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लिमिट्स कहानी है पड़ोसियों की, लिमिट्स कहानी है पड़ोसियों की, दीवानी है पड़ोसियों की। तो भाई पड़ोसियों की कहानी को समझना है तो पड़ोसियों को समझना होगा, पड़ोसियों की कहानी को समझना है तो पड़ोसियों को समझना होगा। सबसे पहले मैं आपको वही कोशिश कर रहा हूँ, पड़ोसियों के बारे में थोड़ा ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे दोस्तों। समझ में आ गई भाई। अगर मैं आपसे जनरल पूछता हूँ कि यार ये एक नंबर लाइन है, मैं आपको बोलता हूँ कि ये एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन के ऊपर कोई जनरल पॉइंट बता दीजिए हमको, कोई मैं बोल देता हूँ कि चलो इसके ऊपर कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं x इक्वल टू ए, ये इसके ऊपर x इक्वल टू ए कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इस जनरल पॉइंट के, इस x इक्वल टू ए के दोनों नेबर्स बताइए कौन कौन से होंगे, मैं आपको बोलता हूं कि x इक्वल टू ए के, आपके सामने x इक्वल टू ए है, इसके दोनों नेबर्स बताइए कौन कौन से होंगे। तो x इक्वल टू ए का एक नेबर तो ये है राइट नेबर, ठीक है, दूसरा जो नेबर है वो ये है लेफ्ट नेबर, ठीक है। x इक्वल टू ए का एक नेबर तो ये हो गया राइट नेबर और एक ये हो गया लेफ्ट नेबर। तो ये जो राइट नेबर है इसको बोल देंगे x इक्वल टू ए पॉजिटिव, ठीक है, और ये जो लेफ्ट नेबर है ना दोस्तों इसको बोलेंगे x इक्वल टू ए नेगेटिव। समझ में आ गया। तो राइट नेबर ऑफ ए ये क्या है, ए पॉजिटिव, ये है राइट नेबर ऑफ ए, ठीक है, दिस इज राइट नेबर ऑफ x इक्वल टू ए एंड दिस इज लेफ्ट नेबर ऑफ x इक्वल टू ए। समझ में आ गई बात। तो राइट नेबर ऑफ x इक्वल टू ए एंड लेफ्ट नेबर ऑफ x इक्वल टू ए, ये आपको समझ में आ गया होगा, करेक्ट है।
एक बिंदु के दो नेबर होते हैं, कोई भी पॉइंट ले लीजिए उसके दो नेबर होते हैं, ठीक है। चलिए अब यार ग्राफिकल बात करते हैं थोड़ी सी, है ना, और थोड़ा आगे मूव करते हैं। अगर मैं बोल दूं एक फंक्शन है y इक्वल टू fx, ध्यान से सुनना मेरी बात को, है ना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। अगर मैं यार बोल दूं एक फंक्शन है y इक्वल टू fx, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मैं आपको बोल दूं कि एक फंक्शन है y इक्वल टू fx, ध्यान से सुन लो मेरी बात को, अगर मैं आपको बोल दूं कि एक फंक्शन है y इक्वल टू fx, इस फंक्शन में x इक्वल टू a कोई पॉइंट है, इस फंक्शन के ऊपर x इक्वल टू a कोई पॉइंट है, दोस्तों यहां पे ले लिया मैंने x इक्वल टू a पॉइंट, क्या ले लिया मैंने यहां पे कोई पॉइंट ले लिया x इक्वल टू a पॉइंट, ठीक है, यहां पे कोई पॉइंट ले लिया मैंने x इक्वल टू a पॉइंट। मुझे एक बात बताओ, x इक्वल टू a पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू a पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, आप बता देंगे तुरंत, आप तुरंत बता देंगे कि x इक्वल टू a पे फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ a, है ना, x इक्वल टू a डालो, y कोऑर्डिनेट f ऑफ a निकल के आ गया, तो x इक्वल टू a पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a हो गई दोस्तों। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि x इक्वल टू a का राइट पड़ोसी और x इक्वल टू a का लेफ्ट पड़ोसी को ध्यान से देखो, x इक्वल टू a का राइट पड़ोसी और लेफ्ट पड़ोसी को ध्यान से देखो, x इक्वल टू a का जो ये राइट पड़ोसी है, x इक्वल टू a पॉजिटिव, और x इक्वल टू a का ये जो लेफ्ट पड़ोसी है, x इक्वल टू a माइनस। अगर मैं आपसे कहूं कि x इक्वल टू a का जो राइट और लेफ्ट पड़ोसी है, इन राइट पड़ोसी पे और लेफ्ट पड़ोसी पे फंक्शन की क्या वैल्यू है, तो फंक्शन की वैल्यू भी राइट पड़ोसी और लेफ्ट पड़ोसी यहां पे नजर आएगी। ये बात समझ में आ रही है क्या? नेबर बोले तो पड़ोसी, और कहानी है पड़ोसियों की, पड़ोसियों को समझना होगा, ध्यान से सुनिए। x इक्वल टू a पे मेरे दोस्तों, x इक्वल टू a पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a थी, x इक्वल टू a के राइट पड़ोस में गया, फंक्शन की वैल्यू राइट पड़ोस में चली गई, x इक्वल टू a के लेफ्ट पड़ोस में गया, फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट पड़ोस में चली गई। मैं आपसे बस इतना सा पूछना चाहता हूं विद ड्यू रिस्पेक्ट कि यार इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट बता दीजिए। यहां पे देखिए, यहां पे जो x की वैल्यू है, यहां पे देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी है, a पॉजिटिव। यहां पे देखिए x की वैल्यू, देखो आप x की वैल्यू जो है कितनी है, a नेगेटिव। x की वैल्यू कितनी है, यहां पे देखिए a नेगेटिव है, यहां पे x की वैल्यू a पॉजिटिव है, यहां पे x की वैल्यू a नेगेटिव है। क्या है, x की वैल्यू a पॉजिटिव एंड a नेगेटिव। अगर x की वैल्यू a पॉजिटिव रख दोगे, x की वैल्यू a पॉजिटिव रख दोगे, तो y की वैल्यू f ऑफ a पॉजिटिव आ जाएगी, y की वैल्यू f ऑफ a पॉजिटिव आ जाएगी, और x की वैल्यू अगर a नेगेटिव रख दोगे तो y की वैल्यू f ऑफ a नेगेटिव आ जाएगी। तो यार एक बात बताओ, जो फंक्शन की वैल्यू आई है f ऑफ a पॉजिटिव और f ऑफ a नेगेटिव, ये f ऑफ a के दो पड़ोसी आए हैं, बिल्कुल आए हैं। तो मैं बस आपको यहां पे दो बातें अभी बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो दो बातें अगर आप समझ गए तो लिमिट समझने की शुरुआत आपने कर दी है। ध्यान से सुनना, मैं ये बोल रहा हूं कि y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, दिस इज अ गिवन फंक्शन, ये एक गिवन फंक्शन है, दिस इज अ गिवन फंक्शन, ठीक है। मैं आपसे दो बातें पूछ रहा हूं, पहली बात और दूसरी बात, आप मुझे दोनों बातों का जवाब दे दीजिए, मजा आ जाएगा। पहली बात तो पूछ रहा हूं कि वैल्यू ऑफ एफ एक्स बताइए एट एक्स इक्वल टू ए, सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, वैल्यू ऑफ एफ एक्स बताइए इन द नेबरहुड ऑफ, इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू ए। दूसरा सवाल मैंने पूछा, फंक्शन की वैल्यू एक्स इक्वल टू ए पे, एक्स इक्वल टू ए बोले तो यहां बताइए, और एक्स इक्वल टू ए के नेबरहुड, नेबरहुड जहां पे शब्द आ जाए, नेबरहुड जहां पे शब्द आ जाए, उसका मतलब दो बातें हो रही हैं, लेफ्ट नेबर और राइट नेबर। जहां पे नेबरहुड शब्द आ जाए, ये लिख देता हूं यहां पे, नेबरहुड शब्द आ जाए,
नेबरहुड शब्द आ जाए, इसका नेबरहुड है भाई, नेबरहुड शब्द आ जाए तो इसका मतलब दो बातें हो रही हैं, नेबरहुड शब्द आ जाए तो दो बातें हो रही हैं, लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड। क्या हो रही है बात? राइट नेबरहुड की बात हो रही है, नेबरहुड शॉर्ट में लिख देता हूं, राइट नेबरहुड की बात हो रही है और लेफ्ट नेबरहुड की बात हो रही है, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो मैं पूछ रहा हूं कि वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए कितनी है, वो तो साफ साफ एफ ऑफ ए है, ठीक है, आंसर लिख देते हैं इनके, है ना, ये तो साफ साफ एफ ऑफ ए है, ठीक है ना, और वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन दी नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू ए, तो नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू ए यहाँ पे दो है, ठीक है ना, तो यहाँ पे एफ ए पॉजिटिव भी होगी और एफ ए नेगेटिव भी होगी, तो नेबरहुड की जब बात की जाए एफ ए पॉजिटिव और एफ ए नेगेटिव दोनों ही की जाती है, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू नेबरहुड में एफ ऑफ ए पॉजिटिव होगी, एफ ऑफ ए नेगेटिव, यहाँ पे ये राइट नेबरहुड है, ये लेफ्ट नेबरहुड है, नेबरहुड मतलब दोनों की बात हो रही है, और फंक्शन की वैल्यू एक्स इक्वल टू ए पे कितनी होगी, एफ ऑफ ए होगी। ये बातें समझ में आ रही हैं आपको, ठीक है। तो यार कुल मिलाकर के हमने यहाँ पे सबसे पहले तो देखा कि नेबर्स क्या होते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके बाद फिर देखा फंक्शन का ग्राफ बना हो ना, तो फंक्शन के ग्राफ पे नेबर क्या होते हैं, ठीक है, फंक्शन के ग्राफ पे नेबर हमने सीखा। उसके बाद मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो एफ एक्स फंक्शन है, अगर एफ एक्स फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन के आगे अगर कोई ऐसे लिख दे एल आई एम एक्स अप्रोचिंग टू है, देखो ये अगर कुछ लिख दे ना ऐसे कुछ, फंक्शन के आगे कोई सिंबल लगा दे, तो इस सिंबल का मीनिंग समझो कि लिमिट, इस सिंबल को पहले तो बोलते कैसे हैं ये समझो, इस सिंबल को बोलते हैं लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए, है ना, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स, इसको बोला कैसे जाता है, इसको बोला ऐसे जाता है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स। अब बोलना तो समझ में आ गया, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स बोलना समझ में आ गया, अब मीनिंग क्या होता है इसका, मीनिंग ये होता है इट मीन्स, है ना, इट मीन्स वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू ए, वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू, मतलब लिमिट का मीनिंग ये होता है कि नेबरहुड में वैल्यू क्या है, तो लिमिट क्या है, लिमिट है स्टडी ऑफ नेबरहुड, है ना, लिमिट क्या है, लिमिट इज द स्टडी ऑफ नेबरहुड। रफ लैंग्वेज में बात की मैंने, ये तुमको समझाने के लिए रफ लैंग्वेज में बात की है मैंने, लिमिट इज द स्टडी ऑफ नेबरहुड, लिमिट इज द स्टडी ऑफ नेबरहुड, स्टडी ऑफ नेबरहुड, ठीक है। रफली स्पीकिंग भाई, एक आपको आइडिया देने के लिए, पहले तो आइडिया लेना पड़ता है ना किसी चीज का, भाई पूरी चीज अगर समझनी है ना अपने को तो सबसे पहले तो आइडिया लेना पड़ेगा, है ना, अब आइडिया को जो है फिर थॉट में कन्वर्ट करते हुए और फिर पूरा कॉन्सेप्ट समझा जाता है। एक तो बेसिक आइडिया दे रहा हूँ अभी तो मैं आपको, ठीक है ना, डिटेल में तो अपन घुस रहे हैं धीरे धीरे करके, नेबरहुड बताया है तुमको, है ना, नंबर लाइन पे नेबरहुड सिखाया है ना, फंक्शन का ग्राफ बना के वहाँ पे, है ना, नेबरहुड की बातें की मैंने, है ना, फिर मैंने लिमिट का सिंबल बताया, अरे लिमिट का सिंबल होता है, अच्छा क्या होता है, ऐसा होता है, लिमिट का सिंबल बताया, लिमिट का सिंबल बताने के बाद यार लिमिट का मीनिंग बता रहा हूँ, लिमिट का मीनिंग निकल के आएगा तो लिमिट सोल्व करना बताऊँगा, करते 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 रेस हमारी चालू हो जाएगी लिमिट में, ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। कैलकुलस है मेरा जिगरी यार, और तुम्हारा भी जिगरी यार हो जाना चाहिए, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, और तुम भी मैथ्स के शहर यार बन सकते हो, प्रैक्टिस चालू रखिए भाई के साथ, समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जो बोलूं करते रहिए, लेक्चर्स को डिटेल में देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो भाई हमने तो पूरा जोर लगाया हुआ है तुम्हारे ऊपर, है ना, अब तुम जो है वो कितना करते हो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स, ठीक है ना, ये बात अपने को समझ में आ गई, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स बोलेंगे कैसे, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स, इसका इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा भाई वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू ए, ठीक है ना, एक्स इक्वल टू ए के नेबरहुड में क्या वैल्यू है, ये मीनिंग होगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स का। जैसे कि
जैसे कि यहां पे अगर पूछी जाए कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स क्या है, यहां पे पूछी जाए लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स क्या है, ठीक है ना, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स अगर पूछी जाए ना यहां पे, तो यार वो कितनी है, ये दो नेबर है ना, दो नेबर एफ ए पॉजिटिव एफ ए नेगेटिव, ये दो नेबर जो है ये इस वैल्यू को अप्रोच करते हैं, तो एफ ऑफ ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो सिंपल भाषा में बस बता देता हूँ आपको, इसका आंसर एफ ऑफ ए आएगा, डिटेल में अभी अपन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी एक लंबी सांस ले लेते हैं, क्यों ले लेते हैं, क्योंकि लिमिट के यार दो आस्पेक्ट होते हैं, एक तो होता है ज्योमेट्रिकल आस्पेक्ट, एक होता है अलजबराइक आस्पेक्ट। ये जो मैंने आपको स्टोरी सारी बताई है ये ज्योमेट्रिकल आस्पेक्ट है, कहानी पड़ोसियों की है ना, कहानी पड़ोसियों की, ये ज्योमेट्रिकल आस्पेक्ट है लिमिट का, ठीक है। यहाँ पे बता देते हैं आपको, लिमिट्स को देखने के दो आस्पेक्ट हैं, लिमिट्स जो है ना, लिमिट्स चैप्टर में जो पूरी स्टोरी है उस पूरी स्टोरी के दो आस्पेक्ट होते हैं, एक अलजबराइक आस्पेक्ट होता है, एक ज्योमेट्रिकल आस्पेक्ट होता है, ठीक है। एक होता है ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल आस्पेक्ट, ठीक है। किस चीज का ज्योमेट्रिकल आस्पेक्ट होता है, एलजेब्राइक फंक्शन ही होता, मतलब एक फंक्शन होता है एलजेब्राइक फॉर्म में, मतलब ठीक है ना, फंक्शन का ही ज्योमेट्रिकल आस्पेक्ट होता है, ठीक है। एक है अलजेब्राइक आस्पेक्ट, अलजेब्राइक आस्पेक्ट। मैंने आपको लिमिट्स की जो कहानी सुनानी शुरू की है वो ज्योमेट्रिकल आस्पेक्ट आपको बताया है, क्या बताया है आपको, बताया है ज्योमेट्रिकल आस्पेक्ट, है ना, कहानी पड़ोसियों की ज्योमेट्रिकल आस्पेक्ट बताया है। तो ये जो लिमिट्स की जो कहानी शुरू हुई है ना, ये हुई है ज्योमेट्रिकल आस्पेक्ट ऑफ लिमिट, है ना, ज्योमेट्रिकल पॉइंट से, ज्योमेट्रिकल आस्पेक्ट ऑफ लिमिट, ज्योमेट्रिकल आस्पेक्ट ऑफ लिमिट, ठीक है जी, राइट, पूरी बात समझ ली। अब यार बारी आ गई है अलजेब्राइक आस्पेक्ट ऑफ लिमिट समझने की, अब बारी आ चुकी है अलजेब्राइक आस्पेक्ट ऑफ लिमिट समझने की, लिमिट का अलजेब्रा समझने की, ठीक है। लिमिट का अलजेब्राइक आस्पेक्ट देखिए पॉइंट बाय पॉइंट डिटेल में समझते हैं, आपको मेरा साथ देना होगा, साथ देने की कोशिश कीजिए। देखिए कहानी कुछ यूं है, हाँ कहानी कुछ यूं है कि मैथ्स में सात बोले तो सेवन बड़ी खास किस्म की क्वांटिटीज होती हैं। वापस दोहरा दूं, मैथ्स में सेवन बहुत ही खास किस्म की क्वांटिटीज होती हैं। वो सेवन क्वांटिटीज कौन सी हैं पहले एक बार लिख दूं, जीरो बाय जीरो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी की पावर जीरो, जीरो की पावर जीरो, वन की पावर इन्फिनिटी। मैथमेटिक्स में ये सेवन क्वांटिटीज ऐसी हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये सेवन क्वांटिटीज ऐसी हैं जो बाकी मैथमेटिक्स की क्वांटिटीज जैसा बिहेवियर नहीं शो करती। जैसे टू प्लस टू फोर, टू प्लस टू की बात करें तो फोर होता है, अब ये टू प्लस टू मुझसे पूछो तो भी फोर, पड़ोसी से पूछो तो भी फोर, कालीन भैया से पूछो तो भी फोर, गुड्डू भैया से पूछो तो भी फोर, डॉन से पूछो तो भी फोर, किसी से पूछो टू प्लस टू तो फोर होगा। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होता, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कभी तो कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। ये बड़ी चालाक क्वांटिटीज हैं, ये जो सेवन क्वांटिटीज हैं ये बहुत ही चालाक क्वांटिटीज हैं दोस्तों, ये सिचुएशन के हिसाब से अपना आंसर देती हैं, सिचुएशन के हिसाब से।
इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी एक अलग सिचुएशन में मान लो वन आंसर दे रही है, किसी दूसरी सिचुएशन में दो आंसर दे देगी, किसी तीसरी सिचुएशन में थ्री आंसर दे देगी, किसी फोर्थ सिचुएशन में -8 आंसर दे देगी। कहने का मतलब ये हुआ, ये मैथमेटिक्स की सबसे चालाक क्वांटिटीज हैं सिचुएशन के हिसाब से। अब सिचुएशन के हिसाब से कैसे अपना रंग बदलती हैं वो यार मैं तुमको दिखाऊंगा। सिचुएशन के हिसाब से ये अपना अलग अलग आंसर देती हैं मेरे दोस्तों। ये जो 7 क्वांटिटीज हैं ये खास किस्म की क्वांटिटीज हैं, इसलिए इनको बोलते हैं 7 अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं इनको? बोलते हैं सेवन अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं इनको? बोलते हैं 7 अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज। इनको इनडिटरमिनेट क्वांटिटीज भी बोलते हैं, अनडिटरमाइंड भी बोल सकते हो, इनडिटरमिनेट भी बोल सकते हो। इनको अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज भी बोल सकते हो और इनडिटरमिनेट क्वांटिटीज भी बोल सकते हो। इनडिटरमिनेट और अनडिटरमाइंड का मीनिंग ये हुआ कि इनके फेस को देख के, इन क्वांटिटीज को देख के आप इनकी वैल्यू नहीं बता सकते। डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, वो पर्टिकुलर सिचुएशन होनी चाहिए, मतलब वो फंक्शन होना चाहिए जहां पे ये क्वांटिटी पॉपअप हो रही हैं, वो सिचुएशन वो फंक्शन होगा, वहां से फिर क्या आंसर आएगा वो समझ में आएगा अपने को। तो ये जो क्वांटिटीज हैं इनको डायरेक्टली देख करके इनकी वैल्यूज नहीं बता सकते। तो पूरे मैथमेटिक्स में मैथमेटिशियन लोगों ने ये 7 क्वांटिटीज ढूंढ ली और इन 7 क्वांटिटीज को बोला यार ये बड़ी नए किस्म की क्वांटिटीज हैं और इन नए किस्म की क्वांटिटीज के लिए एक चैप्टर बना दिया जिसको आप लिमिट्स के अंदर सीखते हो, लिमिट्स नाम का चैप्टर बना दिया, ठीक है। सो ऑल दीज क्वांटिटीज आर अनडिटरमाइंड और इनडिटरमिनेट क्वांटिटीज, करेक्ट है। अब यार देखो आगे बातें करते हैं कुछ, इन क्वांटिटीज में जहां पे भी जीरो लिखा है दोस्तों, वो जीरो एग्जैक्ट जीरो नहीं लिखा है। ये बात एक तो नोट करनी है, एक बात तो ये नोट करनी है, कि इन सारी क्वांटिटीज में ये जो जीरो लिखा हुआ है, यहां पे जीरो, यहां पे जीरो, यहां पे जीरो, 3 0 हो गए, 4 0, 5 0, 6 0, है ना, ये जो जीरो लिखा हुआ है ना इन क्वांटिटीज में, ये जीरो जो है ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है, है ना। जीरो रिटन अबव आर नॉट एग्जैक्ट जीरो, ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है, एग्जैक्ट जीरोस, ठीक है, दे आर लिमिटिंग जीरोस, They are limiting zeros. ये क्या है? ये limiting zeros हैं दोस्तों, approximate zeros हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, है ना? एक और चीज नोट करनी है, एक तो ये समझ में आ गया, एक और नोट करना है अपने को कि ये जो वन लिखा हुआ है ना, ये जो वन है एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट वन की पावर इंफिनिटी तो वन होती है, एग्जैक्ट वन ही होती है, ये अप्रोक्सीमेट वन है। हाँ दोस्तों, अप्रोक्सीमेट वन की पावर इन्फिनिटी बहुत डेंजरस चीज है, बहुत चालाक चीज है, है ना। बोलते हैं ना रे बहुत चालाक चीज बनती हो, तो बहुत चालाक चीज है। ये जो वन लिखा हुआ है यहां पे, ये अप्रोक्सीमेट वन है, और आपको बता दूं अप्रोक्सीमेट वन को लिमिटिंग वन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग वन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यार वन रिटन इन वन की पावर इन्फिनिटी इज द लिमिटिंग वन। लिमिटिंग बोले तो अप्रोक्सीमेट, है ना, सही शब्द लिमिटिंग है,
ठीक है जी, लिमिटिंग वन। सही शब्द जो है वो लिमिटिंग शब्द है, ठीक है। तो कैलकुलस की जर्नी तुम्हारी शुरू हो गई है। कैलकुलस जिगरी यार बनाना है, मैथ शहर यार बनाना है, मैथ्स को का शहर यार बनना है, तो यार बारीकी से कैलकुलस सीखनी पड़ेगी। मेरी आदत है हमेशा कैलकुलस को बारीकी से बताने की और बारीकी से सीखने की, और कैलकुलस अगर बारीकी से आप समझ लेते हो, परख लेते हो, कैलकुलस के सवालों के डॉन बन जाओगे तुम लोग, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये 7 क्वांटिटीज़ हैं, शुरुआत हो चुकी है भन्नाट कैलकुलस की, भन्नाट लिमिट्स की। ये 7 अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज़ हैं, इनको देख के नहीं बताया जा सकता, याद हो जानी चाहिए अभी के भी। ये जो 7 क्वांटिटीज़ हैं ये अभी के अभी याद हो जाने चाहिए। गुनगुनाइए मेरे साथ, 0 by 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पावर 0, 0 power 0 और 1 power इन्फिनिटी। दोस्तों यहाँ पे जहाँ जहाँ 0 लिखा हुआ है वो लिमिटिंग 0 है, ये बात बता दी, और जहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है वो लिमिटिंग 1 है, ये बात भी मैंने आपको बता दी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो एक और बात बता दूं, जब हम ये 7 अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इनके कॉन्सेप्ट्स को जब हम समझने का प्रयास करेंगे, तो ये जो 4 क्वांटिटीज़ है ना, ये वाली जो 4 क्वांटिटीज़ हैं, बता दूं वापस, ये वाली जो 4 क्वांटिटीज़ हैं, ये वाली, ये वाली जो 4 क्वांटिटीज़ हैं, 0 by 0, infinity by infinity, infinity minus infinity और 0 × infinity, ये जो 4 क्वांटिटीज हैं ये अलग हैं, मतलब ये एक कैटेगरी की हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन चारों का एक सिमिलर नेचर होता है, इन 4 क्वांटिटीज का एक सिमिलर नेचर होता है, तो इनके क्वेश्चन एक अलग गुच्छे में सॉल्व करेंगे। और ये जो 2 क्वांटिटीज़ हैं, ये जो 2 क्वांटिटीज़ हैं, इनके जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इनके जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो एक सेपरेट गुच्छे में करेंगे, क्योंकि इनका अपना एक अलग से नेचर होता है। और 1 की पावर इन्फिनिटी के क्वेश्चंस को हम एक सेपरेट गुच्छे में सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका अपना एक अंदाज है दोस्तों। तो पूरा जो लिमिट्स चैप्टर है, मोटे तौर पे देखा जाए 3 पार्ट्स में मैंने तोड़ दिया। एक तो इन 4 फॉर्म्स के क्वेश्चन करेंगे अलग गुच्छे में, इन 2 फॉर्म्स के क्वेश्चन करेंगे अलग गुच्छे में, ये वाली फॉर्म के क्वेश्चन करेंगे अलग गुच्छे में। समझ में आई क्या? एक और बात यहां बता दूं तुमको, ये वाली जो फॉर्म है और ये वाली जो फॉर्म है, इनको क्लास नंबर 12th के कोर्स में सिखाऊंगा मैं। क्लास नंबर 12th के कोर्स का जो लिमिट है ना बेटा यार, मैं उसमें तुमको सिखाऊंगा ये। और मेरी आदत है, मैं ये वाला जो है, ये 4 फॉर्म जो है, ये 11th क्लास के लिमिट में सिखाता हूं, ऐसा सीन है, ठीक है। अगर अपन स्कूल की बुक्स की बात की जाए, स्कूल लेवल की बात की जाए, तो 11th क्लास में स्कूल लेवल में इतना ही सिखाया जाता है, अपन उससे थोड़ा फालतू सीखेंगे मगर। और 12th वाला लिमिट जो है, 12th वाला लिमिट, ये वाला लिमिट और 11th वाला लिमिट मिला दिया जाए तो लिमिट जो है पूरा फिर मस्त हो जाता, भन्नाट हो जाता है, करेक्ट है। तो अपना जो फोकस रहेगा वो लिमिट के सारे बेसिक्स को सीखने में रहेगा, और उसके साथ ये जो 4 फॉर्म्स हैं इनके ऊपर भी रहेगा, ठीक है। तुम ये सोच रहे होगे कि मैं एक एक अक्षर को बड़ा ही धीरे धीरे बोल रहा हूँ। जी हाँ, लिमिट्स एक सेंसिटिव चैप्टर है ना, मेरे मुंह से निकला गया हर शब्द एकदम सटीक होगा और लिमिट्स के बारे में बहुत सारी बातों को बयां करता होगा, इसलिए शब्दों को गौर से सुने, मेरी बातों को गौर से सुने दोस्तों। तो ये 4 क्वांटिटीज के साथ आगे बढ़ना है अभी हमको। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये दिमाग में क्वेश्चन आना बेहद लाजमी है, बेहद कॉमन है कि यार इन 7 क्वांटिटीज में ऐसा होता क्या है।
इन सात क्वांटिटीज में ऐसा होता क्या है, ये जीरो बाय जीरो होती क्या है, ये क्यों चालाक होती है, ये क्यों अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आंसर देती। क्या ये तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन नहीं आया क्या, क्या ये तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन नहीं आया कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इतनी चालाक क्यों होती है, क्यों अपना रूप बदलती रहती है, क्यों अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आंसर देती रहती है। जरूर ये माइंड में आपके क्वेश्चन आया होगा, मेरे माइंड में तो आया था। मैं तुमको एक्सप्लेन करने की अभी कोशिश करूंगा, तुम बात समझ भी जाओगे, ध्यान से सुनना। अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि क्यों ये जो फॉर्म्स हैं ये चालाक फॉर्म्स होती हैं, अनडिटरमाइंड फॉर्म्स होती हैं, जगह के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अपना आंसर चेंज कर लेती हैं। आइए शुरुआत करते हैं। मैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म क्या चीज़ है। मैंने यार कुछ एग्जांपल्स लिख दिए, x बाय एक्स, टू एक्स बाय एक्स, एक्स बाय थ्री एक्स, ठीक है, और बोला लिमिट x इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, और बोला लिमिट x इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, और बोला लिमिट x इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। मैं चाहता हूँ तीनों ही केसेस में वैल्यू बताना। पहला जो केस है, ध्यान से सुनना, पहले केस में मैंने कहा x को x से डिवाइड कर दो, अगर x इन्फिनिटी होगा तो क्या आंसर आएगा। यहां पे लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी का मीनिंग ये है कि x की वैल्यू इन्फिनिटी है, मतलब x की वैल्यू बहुत लार्ज वैल्यू है। ध्यान से सुनना, यहां पे लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी का मीनिंग है कि x की वैल्यू इन्फिनिटी है, मतलब x की वैल्यू बहुत एक लार्ज वैल्यू है। अगर एक वैल्यू इन्फिनिटी मतलब बहुत लार्ज वैल्यू पुट कर दें इसके अंदर x की, इसके अंदर x की, इसके अंदर x की, तो क्या क्या आंसर आएंगे, ये मेरा सवाल है। ठीक है, फिर से बता दूं आपको, लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी का मतलब ये है कि x की वैल्यू बहुत बड़ी है, इतना सा मीनिंग है। बात समझ में आ रही है आपको? यस। चलिए तो यार एक बात बताएं मेरे को, है ना, इस सिचुएशन को देखते हैं। अगर x इन्फिनिटी है तो, x इन्फिनिटी है तो न्यूमरेटर इन्फिनिटी होगा, x इन्फिनिटी है तो डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी होगा। ये बात समझने का प्रयास करें, x अगर इन्फिनिटी है तो यार न्यूमरेटर भी इन्फिनिटी होगा, डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी होगा। तो आप देख सकते हैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की लुक यहाँ पे नजर आ रही है। मेरे साथ सुनना, मेरे साथ समझना, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की ये जो लुक है ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। और x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो देखिए इस केस में x की वैल्यू इन्फिनिटी है, x की वैल्यू इन्फिनिटी बोले तो इन्फिनिटी तो एक विशाल समंदर होता है। इन्फिनिटी क्या होता है? विशाल समंदर होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ी वैल्यू को इन्फिनिटी बोलते हैं। नंबर्स का भगवान है इन्फिनिटी, बहुत ऊंचे बहुत बड़े लेवल पे बैठा है। समझ में आ रही बात आपको? अगर x इन्फिनिटी है, अगर x इन्फिनिटी है 2 इंटू इन्फिनिटी करोगे तो इन्फिनिटी होगा। x इन्फिनिटी है दोस्तों, समंदर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे बहुत बड़ा समंदर हो जाएगा, समंदर रहेगा। x की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी रहेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी हो गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर 3 इंटू इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी रहता है। 3 इंटू इन्फिनिटी भी क्या रहता है? इन्फिनिटी। एक समंदर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एक समंदर में 3 समंदर मिला दो ऐसे करके, भाई रहेगा तो बहुत विशाल का इन्फिनिटी समंदर रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। बात समझ में आ रही है क्या? बात एकदम समझ में। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? समंदर, विशाल समंदर एकदम, वो होता है इन्फिनिटी। बात समझ में आ गई भाई? तो यहां पे देखिए जब x की वैल्यू हम इन्फिनिटी पुट करते हैं, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रहा है, ये भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। अगर मैं ये छुपा लूं
देखिए अगर मैं ये छुपा लूँ आपके यहाँ से, ठीक है, ये मैं छुपा लूँ, बोलूँ कि इस इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का क्या आंसर आएगा, इस इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का क्या आंसर आएगा, इस इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का क्या आंसर आएगा, आप बता नहीं पाएंगे। मगर आप इसको देख के बोल सकते हैं यार ये तो कैंसिल होके वन आंसर आएगा, अरे यार कैंसिल होके टू आएगा, अबे यार कैंसिल होके वन बाय थ्री आएगा। बोल नहीं सकते क्या? बिल्कुल बोल सकते हो। तो यार यहाँ पे देखिए समझ में आ रहा है कि ये कैंसिल होके वन आंसर आ रहा है, ये कैंसिल होके टू आंसर आ रहा है, ये कैंसिल होकर एक्स और एक्स वन बाय थ्री आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंगली ये बात नोटिस की जा सकती है, ये बात नोटिस की जा सकती है कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की वैल्यू देखिए वन भी हो सकती है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की वैल्यू टू भी हो सकती है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की वैल्यू वन बाय थ्री भी हो सकती है। दोस्तों मैंने अलग अलग सिचुएशन में, मैंने अलग अलग सिचुएशन में इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की वैल्यू निकाल के देखी, वो एक दफ़े वन मिली, दूसरी दफ़े टू मिली, तीसरी दफ़े वन बाय थ्री मिली। तो मेरे को ये बात समझ में आ गई कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी तो बहुत चालाक क्वांटिटी है, कभी अपना आंसर वन देती है, कभी अपना आंसर टू देती है, और कभी अपना आंसर वन बाय थ्री देती है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इज अ सोर्स डिपेंडेंट थिंग। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का क्या आंसर आएगा वो डिपेंड करता है कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बना कहाँ से है। यहाँ से बना है तो आंसर वन आएगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी यहाँ से बना है तो आंसर टू आएगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी यहाँ से बना है तो आंसर वन बाय थ्री आएगा। वी कैन नॉट डायरेक्टली tell what is the value of infinity by infinity. We need to look at the source and only then we can tell the value of infinity by infinity. मेरे दोस्तों अगर कोई आप मान लो ऐसे चल रहे हो गली से यूं 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 करके और मैं आपको मिल जाऊं रास्ते में और मैं आपसे पूछूं कि सुनिए, आप बोलें कि जी बताइए, मैं बोलूं कि मुझे बताओ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी क्या होता है, तो तुम क्या आंसर दोगे मुझको? मैं अगर चलते रास्ते में आपसे पूछ लूँ, सोचो तुम चल रहे हो, मैं तुमको मिल गया, रास्ते में मैंने पूछ लिया तुमसे कि यार मुझको बताओ, गले में हाथ डाल के मैंने तुमसे पूछ लिया कि यार तुम बताओ मुझे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी क्या होता है, तो तुम मुझे क्या बताओगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि अगर मैं गले में हाथ डाल के आपसे पूछ लूँ कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी क्या होता है, तो ज़रूर बताएं कि क्या होता है, कमेंट करके बताएं, ठीक है? और अब सच में भी बताएं मुझको डायरेक्ट फेस टू फेस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी तुम क्या बताओगे यार मेरे को? मैं तुमसे पूछ लूँ कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी क्या होता है, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी चालाक होता है, ऐसे नहीं बता सकते, देखना पड़ेगा सोर्स क्या है, सोर्स भी बतला दो हम बतला देंगे आपको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी क्या होता है। ऐसे ही डायरेक्ट कमेंट नहीं कर सकते इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की वैल्यू किसके इक्वल है, ये बात डायरेक्टली नहीं बताई जा सकती। ये डिपेंड करेगा सोर्स पे। किस पे डिपेंड करेगा? सोर्स पे डिपेंड करेगा। तो दोस्तों इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी जो है वो एक सोर्स डिपेंडेंट क्वांटिटी है, डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते। यहाँ पे मैंने बताया तो है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी एक सोर्स डिपेंडेंट क्वांटिटी है। जल्दी से क्विकली एक और बात देख लेते हैं। मैंने लिख दिया लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो पॉजिटिव एक्स बाय एक्स, मैंने लिख दिया लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो पॉजिटिव 2x by x, मैंने लिख दिया limit x approaching to 0 positive 3x by x, मैंने लिख दिया limit x approaching to 0 positive 5x by 3x, ठीक है? जब x की वैल्यू 0 पॉजिटिव होगी, 0 पॉजिटिव बोले तो 0 से हल्की सी बड़ी है ना, अभी बताया था ना 0 का राइट नेबर, भाई भूल तो नहीं गए ना तुम लोग, 0 पॉजिटिव क्या बताया था मैंने, ये देखिए ये लिखा तुमने 0 पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव बोले तो जीरो से हल्का सा बड़ा, जीरो का राइट नेबर, जीरो से इत्तू सा बड़ा जीरो पॉजिटिव होता है, ठीक है? जीरो पॉजिटिव से हल्का सा बड़ा उसको क्या बोलते हैं? जीरो पॉजिटिव। तो जीरो से बिल्कुल हल्का सा बड़ा होता है जीरो पॉजिटिव, ठीक है? आपको मैं एक बात बता दूं जीरो पॉजिटिव के बारे में।
अब जीरो पॉजिटिव को जब टू से मल्टीप्लाई करोगे तो भी जीरो पॉजिटिव रहेगा, अब जीरो पॉजिटिव को थ्री से मल्टीप्लाई करोगे, थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो भी जीरो पॉजिटिव रहेगा, जीरो पॉजिटिव को फोर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी जीरो पॉजिटिव रहेगा, जीरो पॉजिटिव को फाइव से मल्टीप्लाई करोगे तो भी जीरो पॉजिटिव रहेगा, जीरो पॉजिटिव को सिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो भी जीरो पॉजिटिव रहेगा। और यार ये जो कहानी है ना, ये कहानी समझनी है ना भाई, जीरो पॉजिटिव जीरो जैसा ही तो होता है, जीरो होता नहीं है, जीरो जैसा ही होता है, जीरो से हल्का बड़ा होता है, बराबर नहीं होता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जीरो पॉजिटिव जीरो से हल्का बड़ा होता है, बराबर नहीं होता है। जीरो पॉजिटिव को टू थ्री फोर फाइव सिक्स से मल्टीप्लाई कर लोगे तो जीरो पॉजिटिव ही रहेगा यार। एक बिल्कुल इतू सा नंबर को मल्टीप्लाई करोगे इतू सा ही तो आएगा यार। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यार बात एकदम समझने वाली है, ठीक है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो देखिए आगे मूव करते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ आपको, हाँ क्या बोल रहा हूँ जी, यहाँ पे आ जाएं कि लिमिट x अप्रोचिंग टू जीरो पॉजिटिव है ना, मतलब x की वैल्यू जो है वो लगभग जीरो है ना, जीरो पॉजिटिव है। तो x की वैल्यू अगर जीरो पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर जीरो पॉजिटिव हो गया, डिनोमिनेटर जीरो पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू जीरो पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर टू इंटू जीरो पॉजिटिव, वो भी जीरो पॉजिटिव हो गया, डिनोमिनेटर भी जीरो पॉजिटिव। यहाँ पे भी न्यूमरेटर जीरो पॉजिटिव, डिनोमिनेटर जीरो पॉजिटिव। एक्स अगर जीरो पॉजिटिव है, जीरो पॉजिटिव इंटू फाइव भी जीरो पॉजिटिव रहेगा, जीरो पॉजिटिव इंटू थ्री भी जीरो पॉजिटिव रहेगा। आप ध्यान से देखें, आप ध्यान से देखें, पहले केस में भी जीरो पॉजिटिव बाय जीरो पॉजिटिव बन रहा है, दूसरे केस में भी जीरो पॉजिटिव बाय जीरो पॉजिटिव, तीसरे केस में जीरो पॉजिटिव बाय जीरो पॉजिटिव, फोर्थ केस में भी जीरो पॉजिटिव बाय जीरो पॉजिटिव बन रहा है। अगर मैं आपसे डायरेक्टली ये पूछ लूँ, ऐसे ये छुपा दूँ ये वाली चीज़ों को, है ना भाई, रब नहीं करना भाई, छुपाना है। अगर मैं इनको छुपा दूँ और बोलूँ जीरो पॉजिटिव बाय जीरो पॉजिटिव की वैल्यू क्या है, तुम बोलोगे चालाक होती हैं, इनकी वैल्यू डायरेक्ट नहीं बता सकते, सोर्स को देखना पड़ेगा। सोर्स को देख लिया, सोर्स को देख लिया, कैंसलेशन किया वन आ गया, कैंसलेशन किया टू आ गया, कैंसलेशन किया थ्री आ गया, कैंसलेशन किया फाइव बाय थ्री आ गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो एक बात एकदम क्लियर है, जीरो पॉजिटिव बाय जीरो पॉजिटिव की वैल्यू डायरेक्ट देख करके नहीं बता सकते, सोर्स पे डिपेंडेंट है। सोर्स बता दोगे तो वैल्यू बता देंगे, सोर्स का मालूम चलेगा तो मालूम चल जाएगा जीरो पॉजिटिव बाय जीरो पॉजिटिव क्या होता है मेरे दोस्तों। तो यहां से बात तो समझ में आ गई कि बदमाश चीजें होती हैं भाई मैथ्स में, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बदमाश चीज है, चालाक है बेहद, इसकी वैल्यू समझ में नहीं आता कितनी है डायरेक्टली देख करके, सोर्स देख के तो समझ में आ जाएगा, है ना भाई, तुम्हारा सोर्स देख के बता देगा, तुम भी सोर्स देख के बता देना। जीरो पॉजिटिव बाय जीरो पॉजिटिव की वैल्यू डायरेक्टली नहीं बता सकते, सोर्स को देख के बता सकते हैं। तो मुद्दा यहाँ पे ये हुआ कि जीरो पॉजिटिव इस खेल को अगर देखें ना, इस खेल को देखें तो दोस्तों जीरो पॉजिटिव बाय जीरो पॉजिटिव हो गया, जीरो नेगेटिव बाय जीरो नेगेटिव हो गया, जीरो पॉजिटिव बाय जीरो नेगेटिव हो गया, और जीरो नेगेटिव बाय जीरो पॉजिटिव हो गया, जीरो नेगेटिव बाय जीरो पॉजिटिव हो गया। ये जो चार चीज़ें हैं इनकी वैल्यू सोर्स डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। और जो ये मैंने लिखा है ना यहाँ पे जीरो बाय जीरो, मैंने जो यहाँ पे लिखा है जीरो बाय जीरो, इस जीरो बाय जीरो का मीनिंग क्या है, अप्रोक्सीमेट जीरो बाय अप्रोक्सीमेट जीरो। और जब बात अपन अप्रोक्सीमेट जीरो की करते हैं, मेरी सारी बातों को ध्यान से सुनना, बात जब हम अप्रोक्सीमेट जीरो की करते हैं, अप्रोक्सीमेट जीरो जीरो से हल्का बड़ा भी हो सकता है, जीरो से हल्का छोटा भी हो सकता है। जीरो से हल्का बड़ा जीरो पॉजिटिव होता है, जीरो से हल्का छोटा जीरो नेगेटिव होता है। तो जब अप्रोक्सीमेट जीरो की बात की जाती है तो जीरो पॉजिटिव जीरो नेगेटिव की बात की जाती है, जीरो पॉजिटिव जीरो नेगेटिव की बात की जाती है। तो जीरो पॉजिटिव जीरो नेगेटिव की बात की जाती है, वही मैंने यहाँ लिखा जीरो पॉजिटिव बाय जीरो पॉजिटिव, जीरो नेगेटिव बाय जीरो नेगेटिव। ये सारे चारों केसेस जो है ना, ये चारों केसेस आ जाते हैं जीरो बाय जीरो में। अगर कोई बोले जीरो बाय जीरो अनडिटरमाइंड फॉर्म क्या है, अगर कोई बोले जीरो बाय जीरो अनडिटरमाइंड फॉर्म क्या है, तो हम बोलेंगे कि जी जीरो बाय जीरो अनडिटरमाइंड फॉर्म चार पॉसिबिलिटी में से कोई पॉसिबिलिटी है। जीरो पॉजिटिव बाय जीरो पॉजिटिव, जीरो नेगेटिव बाय जीरो नेगेटिव, जीरो पॉजिटिव बाय जीरो नेगेटिव, और जीरो नेगेटिव बाय जीरो पॉजिटिव। मेरे दोस्तों आई होप आपको ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी। और यार एक बात मुझे लगता है कि आपको समझ आ चुकी है कि जीरो बाय ज़ीरो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, जैसे मैंने बताया कि ये सोर्स डिपेंडेंट होते हैं,
उसी प्रकार से मैं बता रहा हूं आपको, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है ना, जीरो इंटू इन्फिनिटी, ये सारी जो फॉर्म्स होती हैं, ये सारी फॉर्म्स जो है सोर्स डिपेंडेंट है, इनका आंसर आप डायरेक्टली नहीं बता सकते, इनका आंसर आप डायरेक्टली नहीं बता सकते। सोर्स मालूम होगा तो कैंसलेशन यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे देखिए कैंसलेशन ऑफ फैक्टर किया है, तब समझ में आया है कि इनका आंसर क्या होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? करेक्ट है एकदम। अब देखिए एक दो कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, है ना, हल्का फुल्का लिमिट्स जो है उसको प्रयोग में लाना शुरू करते हैं, आपको और बेहतर फील आएगी। अगर मैं आपसे पूछ लूँ, अगर मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू किसके इक्वल होगा, ठीक है, मान लो क्वेश्चन आपसे बोल दिया मैंने कि मुझे बताएं इवेलुएट, है ना, क्वेश्चन क्या है इवेलुएट, मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि इवेलुएट लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू, तो आप बोलेंगे यार x की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 है, x इक्वल टू 2 और x अप्रोचिंग टू 2 में फर्क है दोस्तों, ये बात समझनी है अपने को, ठीक है, x अप्रोचिंग टू 2 और x इक्वल टू 2 में डिफरेंस, यहां पे लिख दूं x इक्वल टू 2 इज नॉट सेम एज x अप्रोचिंग टू 2, पहला पॉइंट तो ये नोटिस करना है, ठीक है, x इक्वल टू 2 पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा भाई, अगर आपने x इक्वल टू 2 डाल दिया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 होना मैथ्स में पहले भी पाप था, आज भी पाप है, आगे भी पाप ही रहेगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं कर सकते, x इक्वल टू 2 नहीं डाल सकते यहां पे, इसलिए x अप्रोचिंग टू 2 की बात की गई है, x अप्रोचिंग टू 2 की बात की गई है, और x अप्रोचिंग टू 2 का क्या मीनिंग होता है, इट मींस x इज 0 पॉजिटिव, x approaching to 2 means x is 2 positive and x equal to 2 negative, ये मीनिंग होता है, x 2 से या तो हल्का बड़ा है या हल्का छोटा है, अगर x 2 से हल्का बड़ा होगा ना, x 2 होगा तो ये 0 होगा, 2 से हल्का बड़ा होगा तो ये 0 पॉजिटिव होगा ऊपर, और नीचे क्या होगा, नीचे भी 0 पॉजिटिव होगा, तो मोटे तौर पे देखा जाए तो 0 by 0 की अनडिटरमाइंड फॉर्म बन रही है। पहले तो ये समझना है कि x की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डालोगे तो न्यूमरेटर अप्रोक्सीमेटली 0 डिनोमिनेटर अप्रोक्सीमेटली 0 लगभग 0 बाय 0 का केस बन रहा है, लगभग क्या बन रहा है, 0 बाय 0 का केस बन रहा है। अब यार 0 बाय 0 का केस बन रहा है तो सोल्व कैसे करें, अभी करेंगे सोर्स से करेंगे सोल्व, सोर्स क्या है, ये है सोर्स, ये है, तो देखिए करते हैं सोल्व, सोर्स मालूम है तो सोल्व हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर को लिखा एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, ठीक है, डिवाइड बाय एक्स माइनस टू, ये हो गया कैंसल, ठीक है, एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, ठीक है, डिवाइड बाय एक्स माइनस टू, ये हो गया कैंसल, ठीक है, नाउ x अप्रोचिंग टू टू, x की वैल्यू 2 यहां पर रख दो, कितना आ गया 4, ठीक है, जैसे ही फैक्टर कैंसिल हुआ तो ये जो अनडिटरमाइंड फॉर्म बन रही थी 0 बाय 0 की वो भी हट गई, ठीक है ना, है ना, ये 0 बाय 0 अपना रूप जो है वो ऐसे यूं करके बैठी थी, बता नहीं रही थी क्या आंसर आएगा, तो कैंसिलेशन फैक्टर के बाद वो आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आ रही बात आपको, तो यहां पे देखो जैसे ही फैक्टर कैंसिल हुआ ना दोस्तों तो मेरा क्या आ गया, मेरा आ गया लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 और आगे कितना है x प्लस 2, तो x प्लस 2 में x की वैल्यू लगभग 2 डालोगे तो लगभग 2 डालने से ये कितना हो जाएगा, लगभग 4 हो जाएगा, और लिमिट के क्वेश्चन में वही बताना है कि लगभग लगभग ये वैल्यू किसको टेंड करेगी, मतलब ये वैल्यू किसको टेंड करेगी, लगभग किसके बराबर होगी, ठीक है, तो कुल मिला के मोटे तौर पर अपने समझ लिया, ठीक है, कि अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगी, 4 के बराबर होगी, ठीक है, तो ये वैल्यू जो है ना जब x 2 को टेंड करता है तो ये वैल्यू 4 को टेंड करती है, ठीक है, तो मैंने इसमें यार सारी थ्योरी भी एक बार जो है बोलने की कोशिश की है और लिमिट तो मैंने सॉल्व कर ही दी। देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, अगर अपन बोलते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू माइनस वन एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या होगा, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि क्या कोई अनडिटरमाइंड फॉर्म बन रही है, 7 फॉर्म जो आपको सिखाई उनमें से कोई बन रही है क्या,
x की वैल्यू जब माइनस वन लगभग पुट करोगे तो लगभग जीरो हो जाएगा, ये लगभग जीरो हो जाएगा, तो हाँ यार जीरो बाय जीरो फॉर्म बन तो रही है। अब सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करने के लिए तो यार देखो ये एक बड़ी अच्छी चीज है, कैंसिल जैसे फैक्टर हो जाता है ना तो सोल्व हो जाती है फॉर्म, है ना। यहाँ पे भी तो कैसे कर रहा था मैं, फैक्टर कैंसिल करके तो मैंने वैल्यू बाहर निकाली कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वैल्यू कैंसिल करके तो मालूम चला है फैक्टर को वन होती है, यहाँ पे कैंसिल करके मालूम चला टू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। ये हो गया कैंसल। एक्स की वैल्यू जो माइनस वन को जब अप्रोच कर रही है तो न्यूमरेटर किसको अप्रोच कर रहा है, न्यूमरेटर थ्री को कर रहा है, डिनोमिनेटर कितने को कर रहा है, डिनोमिनेटर माइनस टू को कर रहा है, तो कितना आ गया माइनस थ्री बाई टू, है ना। देख लो एक्स की वैल्यू जो माइनस वन को अप्रोच कर रही है ना, माइनस वन डाल के देखो, वन वन टू और वन थ्री, ये थ्री हो गया, माइनस वन डाल के देखो तो ये माइनस टू हो गया, तो माइनस थ्री बाई टू। बात समझ में आ रही है। तो कुल मिला करके मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट आपको समझ में आया होगा, और कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट को पूरा समझने के लिए आपने ज्योमेट्रिकल आस्पेक्ट और अलजेब्रिक आस्पेक्ट दोनों समझाने में मैं सक्सेसफुल रहा हूँ। ज्योमेट्रिकली बताया कि नेबरहुड में फंक्शन की स्टडी करना लिमिट है, ठीक है, मतलब किसी x इक्वल टू ए के नेबरहुड में स्टडी करना लिमिट x अप्रोचिंग टू ए होता है, ठीक है। और अलजेब्रिक आस्पेक्ट बोले तो सेवन अनडिटरमाइंड फॉर्म्स को पढ़ना लिमिट्स होता है, ठीक है। तो यार इस सेशन की एकदम भन्नाट शुरुआत के साथ अब अगले सेशन में आने के लिए वापस जाने की मैं तुमसे इजाज़त चाहता हूँ। फिर मिलेंगे हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते मेरे दोस्तों। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।